छोड़ दो संदेश। आगे आओ, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फटाफट। आराम से, आराम से। चलो, 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 न्यूज पहुंचा हुआ है एयरपोर्ट रोड पे। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक निर्माण अधीन बिल्डिंग में हादसा हुआ है। ये बिल्डिंग सिटी सेंटर वाली लाइन में बनाई जा रही थी। पता चला है कि जो निर्माण अधीन बिल्डिंग बन रही थी उसकी मिट्टी धंसने के कारण कुछ मजदूर दब गए थे और पता चला कि इन मजदूरों की गिनती 4 बताई जा रही है। इन 4 मजदूरों में से 2 मजदूरों को तो निकाल लिया गया है और 2 मजदूर जिनकी मौत हो चुकी है वो अभी नीचे ही रखे हुए हैं, उनकी डेड बॉडी नीचे ही रखी हुई है। और जो मजदूर निकाले गए हैं उन मजदूरों को सिविल हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। काफ़ी घायल बताए जा रहे हैं ये मजदूर। और इस संबंध में एसडीएम मोहाली सरबजीत कौर ने बताया है कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन पहुँचा हुआ है वो कार्रवाई कर रहा है आगे की कि पूरी घटना के क्या कारण हैं, क्यों हुई है ये घटना और इसके पीछे क्या कारण नहीं है। और आगे देखते रहिए पॉइंट न्यूज़। अभी काफी जगह रोड पर एक छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी के लिए वो जो यहाँ ऐसे पाइप जो लगा है ना लाल का, वहाँ पे इंगल खुला था। अच्छा। बड़ी गाड़ी आ रही थी उसको भी बंद हो गया, वो भी। अच्छा। वहाँ भी जाके देखिएगा वो भी बंद है। अच्छा, ठीक है। ये सिर्फ ये जो सोसाइटी की गाड़ी, अब कोई रोड पे कोई जाम अगर हो गया तो गाड़ी जाएगी तो छोटी ही गाड़ी जाती थी, छोट जाती। हाँ, बस कार हो, कार बड़ी गाड़ी होती है हमने वो पहले से। ये मिट्टी में दबने की घटना हुई तो आप किस उस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे? उस समय अपने ठेहे पे बैठा था जी, दुकान पे बैठा था जी। लोग भाग के जाने लगे जी। तो हमने कहा कि क्या हो गया भाई, तो यहाँ से खड़ा होके देखा तो सारे लोग दौड़ के जा रहे थे, तो मैं भी दौड़ के गया वहाँ। अच्छा, तो वहाँ पे माहौल कैसा था? और माहौल था कि 2 मशीन लगी थी सर जी, वो मशीन अपना काम कर रही थी। एक बंदा मेरे सामने निकला, तुरंत एम्बुलेंस आए, 1 मिनट का देर नहीं हुआ, तुरंत एम्बुलेंस में लेके बंदे उसको भगे, फिर दूसरी खुदाई हो रही थी, फिर मैं वापस आ गया जी। अच्छा, क्या बताया जा रहा है कि कितने के बंदे इसमें दबे हो सकते थे? इसमें वहाँ पे तो बंदे बोल रहे थे 5-6 बंदे को बोल रहे थे सर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और इन्होंने जब ये काम चल रहा था, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, जब ये काम चल रहा था तो फिर इन्होंने ये रास्ते वास्ते बंद कर रखे थे पहले? हाँ जी, हाँ जी, ये पाइप लगा था, जाली भी लग चुकी थी पहले से ही। अच्छा, आज नहीं लगा है जी, ये पहले का लगा हुआ है, ये झूठ मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, मतलब इन्होंने सेफ्टी के वास्ते कर रखा था। हाँ। अच्छा, और मतलब कि अभी कैसा माहौल था यहाँ पे? माहौल कहा था, सारे लेबर इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे, सब लोग इकट्ठे होके देख रहे थे कि हाँ भाई निकाल रहे, मेहनत कर रहे थे निकाल रहे थे। अब हम लोग तो नीचे गए नहीं, इतनी ज़्यादा नीचे वहाँ से रास्ता भी नहीं था, वो बाहर से ही देखे। और आपका नाम क्या है? शुभ नारायण प्रसाद जी। एक शख्स मौजूद हैं जो घटना के दौरान यहाँ पे मौजूद थे, आओ हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस वक्त घटना हुई उस वक्त क्या टाइम था जब आया यहाँ पे? सर, मैं 5:20 में आया था यहाँ पे। उस टाइम जो है 2 बंदे को निकाल लिए गए थे, ठीक है जी। दोनों का हालात गंभीर ही था, दोनों को ले जाया गया हॉस्पिटल। बाकी ये JCB से और काम चल रहा था बाकी बंदों को निकालने का।